फिर गाड़ी की सर्च में इधर उधर हमने भी चलना, मूव करना, इधर उधर देखना शुरू कर दिया। और मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया, मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम जब दोबारा उसी जगह पे आए तो वो बंदा दोबारा उधर गाड़ी लेके आ गया। तो उसने देखा हमें कि ये बंदे आए हुए हैं उधर, तो मैंने भी देखा कि ये बंदा दोबारा आया हुआ है। हमने दोबारा नगोशिएट करने की कोशिश की, तो वो बंदा जी जो है ना वो लाइक उसको तो पता चल गया कि ये बंदे अब जो मैं प्राइस बताई बताई है इस पे वो कभी भी गाड़ी नहीं लेंगे। तो बंदे ने बड़ी स्मार्ट गेम खेली, उस बंदे ने कहा जी चलें जी आप 11,000 कर दें, 12 से 11 आ गए, यानी कि 1,000 रियाल की जो उसने डिस्काउंट दे दी। फिर मैंने कहा नहीं ये भी ज़्यादा, मैं ये भी नहीं दूंगा आपको, और कम करो। फिर जो फाइनल जो हमारी नेगोशिएशन थी वो 10,500 पे जाके नेगोशिएशन हुई। मैं बड़ा खुश किया, वो बड़ा मैं मार्का मार लिया है, लाइक मैं गाड़ी दूसरे शहर में जाके अपनी आइडल गाड़ी मैं ले ली है। खुशी खुशी हम उधर से ट्रांसफर इंश्योरेंस के लिए आए, लाइक उधर डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवा दिए जो थी ओनरशिप चेंज करने के लिए। हम वापस आए खबजी, हम इस जिस शहर में रहते हैं उधर आए वापस। तो मैं बड़ा खुश था कि यार मैं ऐसे गाड़ी ले ली, ऐसे गाड़ी ले ली, ऐसे आइडल कार फॉर मी। तो मैं उस गाड़ी को जो है ना वो मैं 3 से 4 साल में गाड़ी को चलाता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, गाड़ी उसमें मैकेनिकली कोई भी इशू नहीं था। इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा इशू था उसका, लेकिन मैकेनिकली इशू नहीं था। इलेक्ट्रिकल जो इशू था वो भी माइनर इशू था, किसी को पता नहीं था चल रहा कि इसमें इशू क्या। फिर लकीली पता चल गया तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्मूथ गाड़ी हो गई। लेकिन इशू जो था अभी तक इशू उस पर मैं अभी नहीं आया कि मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इशू एक्चुअली था क्या। फिर जब चौथे साल जब मैंने गाड़ी को कंप्यूटर इंस्पेक्शन के लिए, जो हर साल जो आप इंस्पेक्शन करवाते हैं उसके बाद आपने फिर गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन होती है जो 3 साल की होती है उसको भी आपने रीन्यू करवाना होता है। अगर आपने कंप्यूटर इंस्पेक्शन नहीं की तो वो रजिस्ट्रेशन आपकी रीन्यूअल नहीं होगी। तो मेरी वो जो थी रजिस्ट्रेशन गाड़ी की वो एक्सपायर होने वाली थी, तो मैं बड़े एतमाद से फुल ऑफ कॉन्फिडेंस मैं गया इंस्पेक्शन करवाने। उससे पहले मैं जितनी दफ़ा भी इंस्पेक्शन करवाई थी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी स्मूथली जो थी उसने पीरियोडिकल इंस्पेक्शन क्लियर कर ली थी। लेकिन जब मैं चौथी दफ़ा गया उधर इंस्पेक्शन करवाने तो उन्होंने जी मुझे सरप्राइज़, इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन गुजर निकल गई, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन। लाइक 3-4 साल से मैं एक गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ जो जिसकी ड्राइव से मैं कंफर्टेबल हूँ, जिससे मुझे इश्क हो गया। वो गाड़ी मुझे कहते हैं कि ये गाड़ी जो है वो कट के बनी हुई है, इसकी जो चेसी है इसको वेल्ड किया गया है, इसको अमेंड किया गया है, दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल कार। मैं हैरान हो गया कि ये क्या बातें कर रहे हैं। एक्चुअली ये चीज़ें पहले वो चेक नहीं थे करते, अभी 2-3 साल से ही ज़्यादा सख्ती हुई है, जिसमें जो भी कार मॉडिफाई हुई है, जिस कार की अमेंडमेंट की हुई है, जिस कार की चेसी वेल्ड की हुई है, उसको उन्होंने कहा है कि ब्लैक टेस्ट कर दो, दिस कार्स आर नॉट ऑथोराइज फॉर फॉर सऊदी रोड। तो अभी इतनी तो मेरे साथ फिर ऐसा ही हुआ कि उन्होंने मेरी गाड़ी जो थी वो ब्लैक लिस्ट कर दी, फ़ौरन कंप्यूटर पे डाल दी उन्होंने। मैं बड़ी कोशिश की कि इसको किसी तरह ख़त्म करवा दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, कम से कम इसको ब्लैक लिस्ट जो सिस्टम है उसको निकलवा दिया जाए, इस गाड़ी को सेल कर दूँ। लेकिन एक दफ़ा सिस्टम में आ गया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, जितने मर्ज़ी इन्फ्लुएंस डालें, रेफरेंस डालें, किसी ने भी आपकी नहीं सुनी, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। ये मेरे साथ हुआ है, मेरी गाड़ी को उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया। और ब्लैक लिस्ट का मतलब ये था कि मैं गाड़ी को सेल भी नहीं कर सकता, और जिधर किधर भी इंस्पेक्शन हो गई तो उन्होंने देखना है कि आपका वो जो पीरियडिकल इंस्पेक्शन का जो स्टिकर एक्सपायर हो गया, उधर फाइन, यानी कि फाइन ही फाइन, रिस्की ड्राइव करना रिस्की बन गया था मेरे लिए। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन और कोई नहीं था एक्सेप्ट उसको स्क्रैप करना, और इन दी एंड मुझे गाड़ी को स्क्रैप करना पड़ा। लाइक आप एक गाड़ी 10,500 रियाल की ले रहे हो, ऑनरशिप चेंज करने के लिए आप 500 रियाल पे कर रहे हो, इंश्योरेंस के लिए 2,000 आप पे कर रहे हो, टोटल आपका खर्चा कितना हो गया, 12 से 13 हज़ार हो गया रियाल। 2-3 साल आपने गाड़ी चलाई है और चौथे साल आपको वो गाड़ी जो है वो स्क्रैप करनी पड़ रही है, जिससे आपका लगाव बन गया था गाड़ी के साथ,
उसको आपको स्क्रैप करना पड़ गया। ये कितनी बड़ी एक आपके लिए शॉकिंग न्यूज़ होगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप यूज़ गाड़ी लें तो बहुत ही मुहतात होकर गाड़ी लें। उसकी चेसी को आपने वेरीफाई करना है, कहीं से चेसी को कंफर्म करना है, मेक श्योर करना है कि चेसी को उन्होंने कहीं से भी वेल्ड नहीं किया, कहीं से भी कोई जॉइंट नहीं लगा। किसी तरह का भी आपको अगर चेसी रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आपने वो गाड़ी हरगिज़ नहीं लेनी। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपके साथ एक नई वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे।